गाइस तो आज हम चैप्टर नंबर 24 करेंगे सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल्स। इसका कंप्लीट जो चैप्टर का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करा चुके हैं। उसमें हमने ईच एंड एवरी सॉल्यूशन कराया है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम इसका रिविजन लेके आएंगे, जिसमें सिर्फ हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन के जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री का ये हमारा पार्ट है। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें वो है 22 एंड 23 का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है, और विद रिवीजन भी हमने उसमें करा दिया है। तो रिवीजन वाले चैप्टर जिसमें हमने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की बात की है, उसका लिंक आपको चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो तो जस्ट बिल्कुल बिलो मिलेगा आपको। ओके, लेकिन इसके लिए आपको मोर पर क्लिक करने के बाद अगेन मोर पर क्लिक करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देन आपको क्या मिलेगा, ये सीरियल वाइज आपको सभी चैप्टर मिलेंगे और उनको उनका सॉल्यूशन मिलेगा। हमने जो इसके बैक साइड में स्टेज वाइज सॉल्यूशन है उनके भी सॉल्यूशन कराए हैं इसमें चैप्टर वाइज रिवीजन में, ठीक है, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 24 में क्या है हमारा। चैप्टर नंबर 24 में कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब इसमें जो हमने फर्स्ट वाले चैप्टर किया था 22, उसी का ही यूज हो रहा है बिल्कुल। क्या कि बस आपको क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस याद रखने हैं। तो ये चैप्टर नंबर 24 है हमारा, इसमें क्या करना है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस जो हमने याद किए थे किससे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, इस लॉजिक से हमने इसको याद रखा था, जिसमें ये वाला होता है हमारा साइन, ये कोस, ये टेन। तो मोस्टली बच्चों को ये चीज़ें रट गई होगी, अब इसे वो कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो बस इसको याद रखो ट्रिक को, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है, सोना चांदी तोले से आप साइन कोस टेन भी याद रख सकते हो। उनके रेसिप्रोकल होते हैं कोट, कोस का सेक और साइन का कोसेक। ओके, अब आपको ये रेशियो पता चल गए हैं कि साइन किसका रेशियो होता है, ये सिर्फ साइन नहीं होता, साइन के साथ कुछ एंगल भी होगा, जैसे एंगल थीटा है तो इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल एनीथिंग, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। तो हम देखेंगे इसमें, हमने इसको स्टार्टिंग में किया भी है कि क्या इसका कॉन्सेप्ट बोलता है। तो बस इसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एक सिंगल ट्रायंगल है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्या है हमारे राइट ट्रायंगल्स हैं। तो बस आपके में जो आएगा भी सिर्फ टू राइट एंगल ट्रायंगल्स वाला ही आएगा, क्योंकि इस बार सिलेबस में टू राइट एंगल ट्रायंगल्स के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। इस तरह की कंडीशन है, ये आपको सोल्व करनी होती है। ये जो चीज़ें आप इस चैप्टर में सीखोगे वही क्लास टेंथ में आपको हेल्प करेगा, जब आप चैप्टर नंबर 22 करोगे हाइट एंड डिस्टेंस, ये इसका एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इसका जो मेन यूज़ है, जो इसका एप्लीकेशन है, वो होता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस पर। कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट से, मान लेते ए सी एक बिल्डिंग है, आप यहाँ पर बी पर हो, बी से आप डी की तरफ चले, मतलब सी की तरफ चले उसकी फुट की तरफ, और आपका एंगल 30 से 45 हो गया। अब आप ने अगर डिस्टेंस 40 मीटर कवर किया है तो बताओ बिल्डिंग की हाइट कितनी, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी ये बस आपको सॉल्यूशन सिखाया जा रहा है कि भाई इसमें हम एसी की वैल्यू, डीसी की वैल्यू, जो अननोन वैल्यूज हैं उनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं, चले सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। ये हमें बताया कुछ इस तरीके से फिगर है इसमें। ओके, अगर ये होता सिंपल फिगर, अभी एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर ये एंगल है कुछ, ठीक है, मान लेते हैं 30 डिग्री है। अब देखो इनका रेशोस का कैसे यूज़ करते हैं, कि अगर हमें सिर्फ कोई भी एक साइड दे दी ना इसने, तो हम क्या कर सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल्स में अदर साइड्स फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये बेस वाला एंगल है या फिर ये वाला वर्टिकल एंगल है, ठीक है। इसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ये टेंथ में सीखेंगे हम, कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें, नीचे से बन रहा है बेस के साथ जो एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ये जो इसके पैरेलल लाइन है बेस के, ठीक है, ये एंगल हमारा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, और ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि लाइन अगर पैरेलल है तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है। लेकिन अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए तो ये 30 है, ये 90 है, और ये आ जाएगा हमारा 60। नाउ अब मैंने कह दिया कि भाई हमारे पास सिर्फ एक ही साइड है, ये वाली 10 मीटर। अब वो आपसे कह रहा है कि इस ट्राइंगल में आपको फाइंड करनी है BC की हाइट, मतलब BC की लेंथ और AC की लेंथ, कैसे करेंगे। अब देखो अगर आपको BC चाहिए तो वो साइड देखो जो हमें गिवन है, जो साइड हमें गिवन है और जो साइड हमारी क्या है अननोन है, उन दोनों में रिलेशन देखो सबसे पहले क्या है। कि अगर आप एंगल ये वाला ले रहे हो तो ये हमारा क्या होगा, देखो 90 के अपोजिट ये हाइपोटेनस। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें पहचाननी आनी चाहिए कि आप किस कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें हाइपोटेनस साइड क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है।
तो आप देखो 90 के अपोजिट ये आपको पता है हाइपोटेनस होता है, जहां एंगल बनता है ना वो वाली साइड बेस होती है, क्योंकि ये तो बेस हो ही नहीं सकती क्योंकि हाइपोटेनस हो गया, ये बेस होती है, बची हुई क्या होती है परपेंडिकुलर। ओके ये है इसका जो लॉजिक है, जो ट्रिक है इसको याद रखने की कि कैसे आप बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई करोगे यहाँ पर। तो बस अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको बेस चाहिए परपेंडिकुलर गिवन है तो बताओ परपेंडिकुलर बेस में कौन रिलेशन बताता है। देखो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन बताता है टेन या फिर कोट भी बताता है, तो आप टेन से भी इसको फाइंड कर सकते हो कोट से भी। कैसे, कि अगर आपने यूज़ किया टेन तो टेन थर्टी डिग्री क्या होगा, टेन थर्टी डिग्री क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू है क्या ए बी, परपेंडिकुलर की वैल्यू है क्या हमारी ए बी, और बेस की वैल्यू क्या है बी सी। टेन थर्टी की वैल्यू होती क्या है, टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट थ्री, ये हमने स्टैंडर्ड एंगल में सीखा था इससे प्रीवियस वाले में, और हमने देखा था कि भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को कैसे बनाते हैं उसको भी हमने बताया था, बहुत ही आपको इजी मेथड से बताया था कि आपको उसे याद ही नहीं रखना, बस आपको उसे बना लेना है, आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है वैल्यूज़। तो अब आप कभी भी वैल्यू नहीं भूल सकते अगर आपने उस टेबल को बनाना सीख लिया। उसका भी लिंक हम इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, उसको भी आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। ओके नाउ अब हम करेंगे इसमें ए बी, ए बी साइड है हमारी 10 एंड बी सी साइड हमें नहीं पता भाई, अब बी सी हमें फाइंड करनी है। तो अब देखो बी सी साइड अगर हमें फाइंड करनी है ना, तो बी सी जो वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, न्यूमिनेटर में होनी चाहिए। तो इसे करो न्यूमिनेटर में, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी सी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे बी सी रहेगा, लेकिन रूट थ्री को 10 से करोगे तो 10 रूट थ्री आ जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर रूट थ्री की वैल्यू रख दे हम 1.732, तो वो बताएगा, अगर वो रूट थ्री देगा तो वो बताएगा कि रूट थ्री की वैल्यू आपको क्या रखनी है, नहीं बताया पाए तो आपको 1.732 रखनी होती है। सीबीएसई में इसको रखते भी नहीं, ऐसे भी छोड़ देते हैं, लेकिन आईसीएसई में ये वैल्यू रखनी होती है। तो 10 को अगर हम इससे करेंगे यहाँ पर तो ये पॉइंट आगे जाएगा, तो इसका आंसर 17.32 मीटर हो जाएगा, ये है इसमें। ओके अब हम बात करते हैं कि अगर आपको, देखो एक तो हमें ये हो गया कि भाई इसे हम 10 से भी कर सकते हैं, क्या हम इसे कोट से भी कर सकते हैं, यस कोट से भी कर सकते हैं हम इसे। कैसे, देखो कि अगर हम लेते हैं इसमें कोट 30, क्योंकि एंगल आपको ये लेना है, तो कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस वाली वैल्यू होती है बी सी और परपेंडिकुलर होता है ए बी। अब कोट 30 क्या होता, क्या कोट 30 भी 1/√3 होता है, नहीं ये तो होता है हमारा रूट थ्री। ओके तो यहाँ पर हमारा बी सी जो हमें फाइंड करना है एंड ए बी हमें 10 गिवन है, यहाँ पर भी आंसर देखो सेम आ रहा है 10√3। अब यहाँ पर बी सी पहले से न्यूमरेटर में था तो इसको हमने ऊपर ही रहने दिया, क्योंकि हमें ऊपर ही चाहिए, 10 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया बी सी की वैल्यू होगी, ठीक है ये है इसमें सिंपल, यही तो चल रहा है फंडा जो भी चल रहा है, तो यही है बस इसमें जो भी चल रही है बात। अब अगर हमें करनी है हाइपोटेनस फाइंड, तो देखो हाइपोटेनस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कि वो देखो कि जो साइड हमें फाइंड करनी है और जो गिवन है, ये फाइंड करनी है ये गिवन है, इन दोनों का रिलेशन ले सकते हो। लेकिन अगर हमने बी सी भी फाइंड कर लिया तो आप बी सी और ये बी सी और इस ए सी का भी यूज कर सकते हो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। कैसे करके देख लेते हैं, देखो अगर हम लेते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन बताता है साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, या फिर कोसेक ले लो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, दोनों से आंसर आएगा सेम। अभी जैसे हमने देखा था इसमें कि अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर क्या साइन 30 एंगल ले रहे हैं, तो उसके लिए बेस ये रहेगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। हमने सीखा था कि अगर एंगल चेंज होगा तो बेस परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, कि अगर हम ये वाला एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, लेकिन हम अभी इसी एंगल को लेकर चल रहे हैं, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर लिया हमने साइन 30, साइन 30 होगा क्या हमारा, साइन 30 होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर साइड है क्या यहाँ पर ए बी है, एंड हाइपोटेनस साइड है हमारी ए सी, तो यहाँ पर लेंगे हम ए सी। नाउ अब हम साइन 30 की वैल्यू रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड ए बी की वैल्यू है हमारी 10, ए बी की वैल्यू क्या है 10 है, ए बी की वैल्यू 10 एंड ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ए सी अगर डिनोमिनेटर में तो इसको लेके आएंगे ऊपर में, ऊपर लेके आने के लिए हम इसे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी रहेगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 20 मीटर। ओके ये है इसमें सिंपल। अगर हम इसे कोसेक से भी करते तब भी यही आंसर आता, कैसे कि अगर मैं ले लेता इसे कोसेक 30 डिग्री तब लेता मैं हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ये ए सी होता और ये होता हमारा ए बी। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है उसी का रेसिप्रोकल, 2 ऊपर 1 नीचे, मतलब इसकी वैल्यू होती है 2। ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी हमारा 10 है, 10 की इधर मल्टीप्लाई कर दो 20 और ये 20 मीटर कितना हो गया हमारा ए सी हो जाता, बस बात खत्म, ये है इसमें सिंपल।
तो आप समझ सकते हो कि भाई हम चीजों को किस तरीके से कर रहे हैं। आप खुद देखो इसमें कि भी चल क्या रहा है। बहुत ही सिंपल मेथड और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। लेकिन अगर आपने इस बुक के हर एक क्वेश्चन को किया है अच्छे तरीके से, एक एक क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तो आप परफेक्ट हो जाओगे इसमें और आपको सबसे इजी लगेगा ट्रिग्नोमेट्री। इन सभी चैप्टर में से है ही सबसे इजी ट्रिग्नोमेट्री, इन जितनी बुक में पूरे चैप्टर हैं। ओके, पर वो डिपेंड करता है कि आप उसे किस इंटरेस्ट से पढ़ना चाह रहे हो या फिर पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज़ें बता सकूं। जो भी आपके मन में डाउट हो आप कमेंट करके लिखो इसमें, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको क्या करूंगा, कंप्लीट आपको सोल्व करने की कोशिश करूंगा कि भाई मैं उसे रिजोल्व कर सकूं कि आपके माइंड में क्या डाउट आ रहा है इससे रिलेटेड। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई ये ऐसी चीज़ है क्यों, कर ही क्यों रहे हैं हम ऐसे। ठीक है, वो चीज़ अगर आपके मन में है ना और आप करे जा रहे हो, तो वो आपको परफेक्ट नहीं बनाएगी, तब आप उसमें हमेशा वीक रहोगे। कहीं ना कहीं वो पॉइंट आपका वीक है। अगर आपके माइंड में क्या है, अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट है ना किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कि भाई ऐसा ये क्यों हुआ, ठीक है, और आपने उसे बस ऐसे ही रट लिया, तो समझ लेना वहां पर आप वीक है, वो आपकी वीकनेस है। उसी को दूर करना है, कमेंट करके बताओ कि मुझे कहां समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हर चीज के ऊपर बात की जाएगी, अच्छे से बताया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। देखो जो बच्चे मतलब स्टार्टिंग में मैथ्स नहीं करते हैं या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, और वो फिर उनको अगर नाइन्थ में करनी पड़ती है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्हें फिर उनके बेसिक जो होते हैं ना वो भी नहीं होते हैं। जैसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको ऊपर क्यों लेके आ रहे हैं, एक टेन को नीचे लेके आ सकते हैं, तो वही चीज़ मैं आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर मेरे से कुछ छूट जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई इसमें क्या रह गया, क्या आपको नहीं समझ में आया, उस चीज़ को भी बताया जाएगा। क्योंकि हम हर एक उस बच्चे को लेकर चल रहे हैं जिसे हम समझते हैं कि कुछ नहीं आता है, वो फर्स्ट टाइम ही मैथ्स पढ़ रहा है, हम उसे भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे पहले से ही मतलब वो अच्छे से उन्होंने किया है, प्रैक्टिस करते रहे हैं, मैथ्स में टच में रहे हैं, तो उनको तो समझ में आ जाएगा तुरंत। लेकिन बात उनकी चल रही है जो बिल्कुल वीक हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं मेहनत। देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। जब तक आप खुद इंटरेस्ट लेकर उस सब्जेक्ट को नहीं बैठोगे, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। कितना बड़ा टीचर आपके सामने लगा दें या आपके साथ 24 घंटे वो रहने लगे, तब भी आप उसे नहीं कर पाओगे अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप खुद से ही नहीं पढ़ना चाह रहे हो, आपके मन में नहीं है, तो फिर सब चीज़ बेकार है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको हर चीज़ आएगी, कोई भी चीज़ आपके लिए टफ नहीं होगी। जो भी आप सोचते हो ना कि मेरे लिए ये टफ है, आज तक मुझे ये नहीं आया, मुझे कभी नहीं आएगा जिंदगी, वो भी चीज़ें आ जाएंगी। आप ट्राई तो करो एक बार, आप पहले से ही छोड़ दोगे अगर आपके पास लेट करते हैं कि अगर आप बचपन में साइकिल पर कभी बैठते ही नहीं। सबसे पहले जो बच्चे की होती है ना ख्वाहिशें, कि जब वो बड़ा होता है थोड़ा सा, तो सबसे पहले देखता है कि साइकिल कैसे चलती है, उसको देखता है कि भाई क्या साइंटिफिक रीजन, टू ही टायर्स हैं उसमें, टू टायर्स में कैसे बैलेंस हो रहा है, वो बच्चा कन्फ्यूज रहता है। लेकिन जब वो बैठता है उस पर, खुद उसे एक्सपीरियंस करता है ना चीज़ों को, तब वो समझ जाता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। जब आपने फर्स्ट टाइम साइकिल चलाई होगी तो आप पैडल की तरफ देख रहे होगे, सामने देख ही नहीं रहे होगे, तो फिर गिर रहे होगे, बैलेंस नहीं बन रहा होगा। तो यही चीज़ अब यहाँ पर हो रही है, बस आपको कुछ नहीं है, यही आपको बैलेंस बनाना है यहाँ पर, कि बैलेंस बन किस तरीके से रहा है वो सीखना। और वो सीखेंगे कब, जब हम उस पर बैठेंगे। आप करो तो सही, आकर देखो तो सही क्वेश्चन कैसे होने, लगाओ तो सही, कुछ भी नहीं है, सब सिंपल है बिल्कुल। ओके, तो ये है हमारा यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट कह रहा है। ओके, अब हम इसमें चलते हैं और भी एडवांस क्वेश्चन की तरफ, भी क्या होता है इसमें। अब मैं आपसे एक और चीज़ बता रहा था कि भाई अगर हमें बीसी पता है, बीसी से अगर हम हाइपोटेनस फाइंड कर रहे होते तब कैसे कर रहे होते, तब भी क्या है 20 वैल्यू आ रही होती, यस 20 आ रही होती, क्योंकि ये आया हमारा 10√3। अब हम करते हैं इसे बेस वाले से, कि बेस और हाइपोटेनस की हम लैड कर लेते हैं कि हमें बेस पता है, हाइपोटेनस नहीं पता, हाइपोटेनस फाइंड करनी। तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन, ये है बताता है हमारा कोस या फिर सेक। तो अगर हम लगाते कोस, तो कोस लगाते 30 और कोस 30 होता बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है हमारा ये बीसी एंड हाइपोटेनस क्या है हमारा, हाइपोटेनस है ये हमारा एसी। ओके, कोस 30 क्या हमारा, कोस 30 है, बताओ कोस 30 कितना होता, कोस 30 होता √3/2। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल रिवर्स हो जाती है वैल्यू, जैसे साइन की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू साइन 0 0, 30 1/2 1/√2, 3√3/2 और यहाँ पर 1, ये होती है साइन 0 कोस 30 कोस 45 ये 60 और ये 90। फिर ऐसी ये रिवर्स हो जाती हैं, ये वैल्यू इधर आ जाती है, ये वैल्यू इधर, ये इधर ही रहती है यहाँ पर कोस में। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू होती है हमने सीखा था। अब बात करते हैं बीसी क्या है, बीसी क्या है 10√3 है, बीसी है 10√3 और एसी हमें फाइंड करना। एसी फिर नीचे आ गया, इसे ले गया ऊपर, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एसी की इधर मल्टीप्लाई 2 की इधर। हम क्या कर लेते हैं, देखो एसी को उधर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, √3 से,
और टू को ले जाते हैं इधर, तो ये जाता 20√3। लेकिन √3 फिर इधर लेके आना पड़ता हमें, क्यों? क्योंकि आपको एसी के साथ कुछ नहीं चाहिए, एसी अकेला होना चाहिए, जिसकी वैल्यू आप फाइंड कर रहे होते हो उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, वो अकेला होना चाहिए। तो उसे अकेला करने के लिए हम इसे वैल्यू को भी इधर लेके आएंगे, और ये मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड मारा आ गया 20। ये है इसमें फंडा, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, तो फिर भी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, पूछो आप, कमेंट करके बताओ कहाँ पर डाउट रह गया है। ओके, अब देखते हैं इसमें, और जो हम एडवांस क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि भी किस तरीके के और एडवांस क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एसी की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, अब बताना है इसमें क्या। देखो ये भी बिल्कुल सेम उसी के बेस कॉन्सेप्ट पर है, देखो बिल्कुल एक ही लाइन में मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे होगा। जब हमारे पास क्वेश्चन आता है ना, तो हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि भाई इसे करना कैसे है। जब हम इसको स्टेप कर रहे होते हैं ना, तब हमें नहीं पता चलता कि कैसे कर रहे होते हैं, हमें देखते ही पता चल जाता है कि करना कैसे, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो समझ लेना आपको क्वेश्चन आता है, अगर आपने क्वेश्चन रीड किया, आपने देखा कि यार हाँ जी ये हमें ऐसे स्टार्ट करके इसे कर सकते हैं, तो समझ लेना कि आपको आता है। बस फिर उसमें कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक काफ़ी हो जाती है। वो बच्चे जो हर क्वेश्चन जानते हैं वो भी मिस्टेक कर देते हैं कैलकुलेशन में, उसकी वजह से मार्क्स कम होते हैं, क्योंकि आंसर ही नहीं आता है सही, तो फिर मार्क्स ही पूरे नहीं मिल पाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। मेरे से बहुत गलती होती थी ये कि क्वेश्चन सब आते हैं लेकिन कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं कि मार्क्स सही नहीं आ पाते थे। तो उस चीज़ को करने के लिए आपको करना है प्रैक्टिस, ध्यान रखना है करते टाइम, माइंड को फ्रेश रखना है। जब कभी भी पेपर देने जाओ, पेपर से पहले आपको बोलना नहीं है, शांत रहना है। जितना मन को शांत रखोगे, पीसफुली रखोगे, उतना ही आपका बेस्ट पेपर जाएगा, ठीक है। बोलना कम चाहिए, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम से पहले होते हैं ना, जैसे भी आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हो, तो थोड़ा शांत रहें, बोलने की कम कोशिश करें, ज़्यादा मन को हलचल में ना रखें, शांत जगह पर रहने की कोशिश करें, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हैं, पूरा माइंड आपका उसी तरफ जाएगा, एग्ज़ाम की तरफ। लेकिन अगर आप डिस्टर्ब रहोगे ना, तो फिर आप मिस्टेक ज़्यादा करोगे, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ये प्रॉब्लम होती हैं। आपको सब कुछ आता है लेकिन एग्ज़ाम के टाइम आप वो चीज़ें कर पाते हो नहीं, वो सबसे बड़ी बात है, उस चीज़ पर बहुत क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो अब हम बात करेंगे कि एसी हमें कैसे फाइंड करना, बताओ एसी कैसे फाइंड करें। देखो जो भी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल्स यूज होंगे पहली बात। तो यहाँ पर कैसे, जैसे यहाँ ए सी डी, तो यहाँ पर ए सी बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी अगर हमें फाइंड करना है, अगर हमारे पास डी सी होता, डी सी होता, हम ए सी फाइंड कर लेते, या फिर हमारे पास पूरा बी सी होता तो ए सी फाइंड कर लेते, क्यों, क्योंकि फिर हम बड़ा ट्रायंगल ले लेते। लेकिन अब क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं इसे हम एक्स, ठीक है, इसे लेट कर लेते हैं वाई, दोनों चीज़ें फाइंड हो सकती हैं। कैसे, अब दोनों ट्रायंगल लो वन, ठीक है, ए सी डी लेंगे हम पहले, अगर हमने ए सी डी लिया, आप बड़ा ट्रायंगल भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे ए सी डी में, ए सी डी में इन दोनों में क्या रिलेशन है, टेन का, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये एंगल हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेन्यूस ये वाली साइड है। तो टेन 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 45 वन होता है, तो एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ओके ना, अब हम देखेंगे अगर किस ट्रायंगल में, ए सी बी में, ए सी बी में, ए सी बी में देखें अगर हम, तो इसमें होगा हमारा टेन 30, टेन 30 ले रहे हैं, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर क्या लेंगे हम, ये एक्स ही लेंगे, लेकिन बेस क्या लेंगे, 40 प्लस वाई लेंगे ना। अब अगर हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो सभी वाई को भी एक्स के टर्म में लिख लो, मतलब वाई और एक्स सेम है, तो हम एक्स ही लिख सकते हैं, टेन 30 की वैल्यू रख सकते हैं, टेन 30 होता है 1/√3। यहाँ पर क्या हो गया हमारा एक्स, यहाँ पर 40 प्लस एक्स, ये 40 प्लस एक्स इधर जाएगा इक्वल्स टू √3 एक्स। अब ये एक्स इधर जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा, √3 एक्स माइनस एक्स, और यहाँ पर 40 और एक्स कॉमन लेंगे तो √3 - 1, और ये इधर आकर हो जाएगा 40/√3 - 1 इक्वल्स टू में एक्स। ये वैल्यू हो जाएगी, अगर हम इसे सोल्व करने लगें तो, या तो आप इसे रेशनलाइज कर लो जिससे कि नीचे रूट वाली वैल्यू बचे ना, फिर आप इसको आसानी से डिवाइड कर सको, या फिर आप यहीं पर रख लो वैल्यू 1.7321 माइनस कर दो, ऐसे ही सोल्व कर लो, रेशनलाइज करोगे, फिर इसे करोगे, यहाँ पर इसे 1 में से माइनस करोगे, यहाँ पर 0.732 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितने आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे। अब इसे डिवाइड कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये है इसमें, तो इसमें भी ऐसी वैल्यू आ रही है, ये 54.64, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा हमारा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है बस इसमें। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन है इसमें। तो हमने इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में बात की, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है। जैसे इसमें कह रहा है कि इन अ रोम्बस ए बी सी डी, लेंथ ऑफ ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, एंगल ए गिवन क्या 60 डिग्री,
फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल्स। तो इसके डायगनल्स की लेंथ आपको बतानी है, बताओ कैसे बताएंगे। तो जैसे अगर ये रोम्बस है हमारा, अगर ये रोम्बस है, इसकी हर एक साइड की लेंथ गिवन की है, वो डायगनल की लेंथ आपसे कह रहा है फाइंड करने के लिए। अगर ये 10 10 10 आपको गिवन किया है, डायगनल की लेंथ आपको फाइंड करनी है। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये दोनों होंगे हमारे 30 30 के। अब अगर हम इसको यहाँ से इसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये करते हैं 90 डिग्री पर। देखो यहाँ पर इसमें कहीं भी 90 नहीं बन रहा, लेकिन डायगनल्स के बिटवीन 90 बन रहा है, और आपको पता है इसको बाइसेक्ट करते हैं ना। अब अगर हम देखें ये वाली साइड 10 है, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो सिर्फ ए ओ बी में, ए ओ बी में कौन सी साइड हाइपोटेनस, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कौन हाइपोटेनस। आइडेंटिफाई किया हमने, हाइपोटेनस किया 90 के अपोजिट, ये है हमारी हाइपोटेनस साइड। अब अगर ये एंगल हम ये ले रहे हैं तो ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। ओके समझे ये बात को, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये तो हमारी। अब अगर हम क्या करते हैं इसमें, हमें फाइंड करना ए ओ। देखो अगर हमने ए ओ फाइंड कर लिया, उसी का डबल हमारा ओ, यहाँ पर ये भी हो जाएगा, ओ सी भी हो जाएगा, बस ए सी आ जाएगा। तो हम पहले बेस फाइंड कर लेते हैं। अगर हमें हाइपोटेनस गिवन है तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन बताता है कोस। तो कोस अगर हम लें 30 तो कोस 30 होगा, बेस बेस कितना हमारा ए ओ, और हाइपोटेनस साइड हमारी है कितनी 10। ओके कोस 30 की वैल्यू होती है कितनी है हमारी, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ √3/2, और यहाँ पर ये ए ओ अपॉन में 10। 10 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, और ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, तो ये जाएगा 5√3, ये हो जाएगा हमारा 5√3 मीटर। ओके ए ओ की वैल्यू ना, अब हम क्या करेंगे इसमें, ए ओ की वैल्यू 5√3 मीटर हो गई। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ओ बी भी फाइंड कर सकते हैं। ए ओ का डबल ए सी होगा, तो ए सी की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ ए ओ, तो ये हो जाएगा 2 × 5√3, ये हो जाएगा 10√3 मीटर। ओके ना अब हम फाइंड करेंगे इसमें क्या, ये बी डी, बी डी फाइंड करने के लिए फिर क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे, फिर हम ये वाली परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास हाइपोटेनस तो फिर लगाएंगे हम साइन, ये लगाएंगे हम साइन 30, और साइन 30 इजिकल्स टू क्या होगा, साइन 30 इजिकल्स टू होगा हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ओ बी, क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ओ बी इस ओ बी अपॉन हाइपोटेनस कितना ए बी, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 कितना होता हमारा, साइन 30 होता 1/2, और ओ बी कितना फाइंड करना है हमें, और ए बी कितना 10, 10 यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 5 = ओ बी। ओके ये हमारा, तो ये हो गया हमारा 5 मीटर, ओ बी, ओ बी 5 मीटर हो गया हमारा सिंपल। लेकिन हमें फाइंड करना है इसमें बी डी, तो बी डी हो गया ट्वाइस ऑफ ओ बी, ट्वाइस ऑफ ओ बी, तो 2 × 5 ये कितना हो जाएगा हमारा 10 मीटर हो जाएगा सिंपल। ओके ये था इसमें सिंपल हमारा, तो ये इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ये कुछ इस टाइप से हमारा क्वेश्चन हो गए। अब करेंगे हम इसमें हम कुछ क्वेश्चंस और भी हैं हमारे, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट बस यही है, कॉन्सेप्ट अगर ये वाली चीज़ें आप सीख गए ना तो हर एक क्वेश्चन को आप कर सकते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हमने प्रोवाइड कर रखा है इसमें, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि ए बी की लेंथ फाइंड करो, ए डी की सिर्फ इस तरीके से फिगर है, ये ट्रेपेजियम साइड टाइप की शेप बन रही है हमारी। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो क्या इसने जैसे किया वैसे ही हम करें, या फिर कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। तो इसमें देखो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर बन सकता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ भी बन सकता है इसमें, वहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर है हमारा ए, और ये है बी, और यहाँ सी, और ये डी। ओके ये 28 सेंटीमीटर, और ये 40 सेंटीमीटर। ओके अब हम करेंगे यहाँ पर इसको सोल्व, हमें फाइंड करना है ए बी की साइड और ए डी की साइड, बताओ आप कैसे करेंगे। अगर देखो हमें ए बी साइड फाइंड करनी है, तो ए बी साइड कहीं ना कहीं किसी राइट एंगल ट्राइंगल में लाई कर जाए ना, तो हम इसे कर सकते हैं। इसने इस तरीके से किया है कि ऐसे डिवाइड किया, हम ऐसे नहीं करेंगे इसे, हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पर अगर 90 है और यहाँ पर 90 है, इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे कि अगर मैं इसे ऐसे ज्वाइन कर लूँ तो मैं ए बी की साइड फाइंड कर सकता हूँ, अगर मुझे इस ट्राइंगल्स की कोई एक साइड मालूम हो जाए। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए आप इसे ऐसे डिवाइड कर लो। लेकिन फिर वही बात आ रही है कि एंगल भी, फिर बात आ रही है कि भाई हमें एंगल भी पता होना चाहिए, क्या एंगल भी कुछ दिया है इसने, ये कह रहा है कि एंगल सी है, एंगल सी है 120, और कुछ एंगल है, एंगल सी 120 है। ठीक है, एंगल सी कितना है हमारा, ये रहा 120, और इसने कुछ और गिवन है, ट्रेपेजियम दे दिया ए बी सी डी, बस ये है इसने ये बताया।
तो अब हम इससे हम कौन कौन सा एंगल फाइंड कर सकते हैं। देखो इससे हम एंगल ए भी फाइंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 होगा, ये लाइक पैरेलल्स है तो ये को इंटीरियर एंगल है तो ये 60 होगा। इनको ध्यान में रखते हुए अगर आप इसको डिवाइड करते हो, अब आप ऐसे ही करना चाह रहे हैं, हम जैसे हम पहले सोच रहे थे इसको ऐसे डिवाइड कर दें, अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें ना तो फिर इसमें एंगल नहीं बनेगा, नहीं ना यहाँ पर ना ये वाला एंगल हमें पता है, ऐसे डिवाइड कर देंगे तो ना ये वाला एंगल मिलेगा ना ये वाला, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम इसे ना तो ऐसे डिवाइड कर पा रहे हैं और ना इस तरीके से, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सी पॉइंट से अपोजिट साइड पर इस तरीके से। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी और यहाँ पर इसको पॉइंट ले लेते हैं ई इस तरीके से, फिर 28 है तो ये 28, ए बी फाइंड करनी तो बस अब हमें चाहिए ये बी ई, चलो बी ई चाहिए, बी ई में हमारी बी सी साइड है और ये एंगल हमारा 60, तो बस ये क्या हो गया हमारे लिए बेस हो गया, ठीक है, और ये हमारे लिए क्या हो गई हाइपोटेन्यूस साइड हो गई, क्यों, क्योंकि ये है 90 के अपोजिट, इसीलिए इसने इसको ऐसे डिवाइड किया, ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसमें हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस और बेस में रिलेशन कोस बताता है, तो कोस 60 डिग्री क्या होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है बी ई और हाइपोटेन्यूस साइड क्या है 40, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ पर ये बी ई अपॉन 40 इधर आ जाएगा, 40 ऊपर जाएगा 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा हमारा 20, तो 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा बी ई, ओके बी ई कितना हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर ये है इसमें, ओके। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे आगे, और क्या फाइंड करना है, ए डी भी फाइंड करनी है, ए डी बिल्कुल सी ई के इक्वल होगी क्योंकि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल हम कह सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 90-90 बन रहे हैं हमारे, तो अपोजिट साइड्स को हम इक्वल कह सकते हैं, ऑल साइड हम इक्वल ना कहें लेकिन अपोजिट साइड को जरूर इक्वल कह सकते हैं। तो अब हम इसमें ये वाली साइड फाइंड करेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में रिलेशन बताता है साइन, तो साइन 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा साइन 60, साइन 60 हो गया हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड हमारी सी ई है या फिर ई, सी ई बोलो या फिर ई सी भी बोल सकते हैं, और ये हाइपोटेन्यूस साइड, हाइपोटेन्यूस हमारी 40। अब साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 और यहाँ पर सी ई, ये जो 40 इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 20√3 सेंटीमीटर, तो बस ये सी ई भी हमारा जितना है उतना ही हमारा ये ए डी होगा, अपोजिट साइड इक्वल है, ओके ये है इसमें हमारा सिंपल। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसने बताया था, तो ऐसे ही हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं कि इनको भी हमें इसी वे में सोल्व करना है। तो ये सोल्व हमने किए हैं कंप्लीट एक्सरसाइज में, कंप्लीट एक्सरसाइज आप देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़्यादा आपका मटेरियल है इसलिए आप उसे डबल क्लिक करके मोर पर क्लिक करना, एक बार मोर पर क्लिक करोगे फिर मोर आएगा, फिर मोर पर क्लिक करना तब आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे, ओके। तो गाइज आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, तो अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी हमने आपकी हेल्प की हो, तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि यही हमारे लिए आपकी तरफ से सबसे बड़ी सपोर्ट है, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।